तो अगर आपने व्हाट्सएप बीटा वर्जन ज्वाइन किया हुआ है तो आपके व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी। अगर आप बीटा वर्जन से लीव भी हो जाएंगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती रहेगी। अब जैसे आप व्हाट्सएप का अपडेट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। इसके नीचे आपको यहाँ पे मैसेज भी शो हो जाएगा कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन इसमें तो हमारी चैट डिलीट हो जाएगी। हाँ, चैट का बैकअप करके आप उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकती हैं, पर वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। पर मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा जिससे कि कोई भी इसे फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सएप APK डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप की ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन कर लेनी है, www.whatsapp.com android। ये वेबसाइट आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड के दो ऑप्शन होंगे, प्ले स्टोर और पैकेज। प्ले स्टोर पे अपडेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी चेक कर लिया, वहाँ पे अपडेट हमें नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप की फाइल यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो डाउनलोड हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पे इसे अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है। तो अगर आपके रिसेंट में व्हाट्सएप ऑलरेडी ओपन है तो सबसे पहले आपको रिसेंट में से व्हाट्सएप को हटा देना है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये एरर यहाँ से हट चुका होगा। देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्यूअल व्हाट्सएप भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी ये एरर हमें नहीं मिल रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम आपकी परमानेंट सोल्व हो चुकी है। हमने यहाँ पे डेट को सोल्व करके टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं किया है, हमने आपको परमानेंट सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।